पता आप लोगों की समस्या क्या होती है, क्योंकि इस ऐसे वीडियो को आप देखना भी पसंद नहीं करते और शेयर करना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि आपको पता है ये इस मुसीबत में आप तो फंसे नहीं हैं, दूसरे अगर कोई इस मुसीबत में फंसे हैं उसका दर्द आपको महसूस नहीं होता, इसीलिए ऐसे लोग ऐसे वीडियो आप देखना भी पसंद नहीं करते और आगे शेयर करना भी पसंद नहीं करते। हेलो नमस्कार, मैं दमाम में हूँ, मेरा नाम मोहम्मद आदिल खान है, मैं बहुत बुरी कंपनी में फंस गया हूँ, मैं मरने जा रहा हूँ, मेरे पास कोई उपाय नहीं है, मेरे पास एक रुपया भी नहीं है अब खाना खाने का, मैं तो एक महीने दो महीने से मैं मांग मांग के खा रहा हूँ, मेरे पास पैसे भी नहीं इलाज करा रहे, दूसरे लोग से मैं मांग मांग के इलाज करा रहा हूँ, ये देखें मैं मेरे पानी चढ़ रही है, मेरे सर में प्रॉब्लम, ब्रेन में प्रॉब्लम, मैंने इंडियन एम्बेसी से इतनी बार बोला कि मुझे यहाँ से निकाल दें, मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मुझ पर ये कर रहे हैं, मैं रूम पे पड़ा पड़ा मर जाऊँगा, मुझे बचा लीजिए, मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूँ मुझे यहाँ से निकाल दीजिए, मर जाऊँगा मुझे बचा लीजिए, मैं झारखंड का रहने वाला हूँ धनबाद ज़िले का, मुझे बचा लीजिए, मेरे ब्रेन में प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने बोला इलाज कराने के लिए, कोई इलाज नहीं करा रहा, इंश्योरेंस में इलाज नहीं हो रहा उस पर, मेरे पास एक रुपया नहीं, दो महीने से मुझ पर ये लोग लगातार अत्याचार कर रहे हैं, मुझे काम पे नहीं रखा, मुझे भगा दिया काम से, मैंने कंप्लेन किया तो पैसे नहीं दिए मुझे, पाँच महीने से मैं पैसे नहीं दे रहे थे, मैंने कंप्लेन किया तो मुझे भगा दिया, प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ भारत सरकार से, मोदी जी से मुझे ऐसे निकाल दें, नहीं तो मैं मर जाऊँगा, मेरे पास कुछ नहीं है खाने का, मैं दूसरों से 10 रियाल 5 रियाल लेके खा रहा हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करें, जय हिंद। 8 महीने हो गए हैं मुझे आए हुए, अप्रैल में मैं आया था और सैलरी 2 ही 3 सैलरी मिली है, तब से 5 महीने की सैलरी भी नहीं दी है, तब हम लोगों ने कंप्लेन किया यहाँ के लेबर कोर्ट में और एम्बेसी में, तब से हम लोग को काम पे बैठा दी, अब पिछले 2 महीने से हम लोगों ना काम पे भेज रही है ना कुछ कर रही है, खाने के पैसे भी नहीं दे रही है, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे ब्रेन में प्रॉब्लम है, बार बार चक्कर आके गिर जाता है, मुंह से झाग निकलता है, उल्टियाँ हो रही है, 1 महीने से कोई इलाज नहीं करा रही है, कल भी मैं बाहर निकला था थोड़ा सा सामान लेने के लिए 1-2 रियाल का, तो उससे समय में चक्कर आके गिर गया, तो मुझे एम्बुलेंस वाले ले गए, फिर भी कंपनी वालों ने इलाज नहीं कराया, मेरे जो कंपनी में दूसरे दोस्त लोग हैं और भी कुछ भाई हैं वो लोगों ने मदद की, अभी कल ही पानी चढ़ा है, खून चेच हुआ है, सब कुछ हुआ है, लेकिन कंपनी वाली कहती है कि मर जाने दो, इन लोग को पैसे चाहिए, सैलरी चाहिए, तो मैंने बोला कि मुझे सैलरी चाहिए तभी तो मैंने कंप्लेन किया है, आप सैलरी नहीं दे रहे, तो बोलते हैं घर जाना है तो 20,000 रियाल दो, पैसे दो, इतना चार्ज दो, और गलत गलत पेपर में साइन करा लिए, बोलते हैं वो पेपर में साइन किया है, पैसे ये सामान चोरी के केस में फंसा दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, बताइए मैं क्या करूँ, बहुत बुरी तरीके से फंस गया, 2 महीने से रूम में हूँ, खाने को कुछ नहीं है, देखिए इधर रूम में ऐसे रूम में रख दिया है, कुछ नहीं है रूम में, बस बेड है और कुछ नहीं है, किसी तरह से दोस्तों से यहाँ भी जो कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं अभी भी उससे मांग मांग के या उसके साथ में जाके खा लेता हूँ, बहुत मुश्किल हालात में हूँ, मैंने इंडियन गवर्नमेंट को भी मैसेज किया था, ट्वीट किया था, ईमेल किया, फिर एम्बेसी वालों को भी किया, लेकिन कोई मदद नहीं मिलता है, एम्बेसी वाले कंपनी को फ़ोन करते हैं तो कंपनी ने बोलते हैं हाँ सब दे दूँगा सब दे दूँगा, लेकिन वो लोग बाद में फिर मुझे ऑफिस में बुला के धमकी देते हैं, क्यों तुमने एम्बेसी में बोला ये कर दिया, जाने नहीं देंगे, मर जाओ, बीमार रहता हूँ 2 महीने से बीमार हूँ, लेकिन उन लोगों ने कभी इलाज नहीं कराया, बोलते मर जाने दो, अब मुझसे बदला ले रही है, प्लीज़ मुझे मैं अपील करता हूँ कि मुझे कोई हेल्प करे, मैं यहाँ दमाम में हूँ सऊदी अरब में, प्लीज़ भाई लोग आप लोग कोई भी हैं तो मदद करें मेरे, मुझे घर जाना है।